मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने एक आतंकवादी को मारा हो रहा कलहाड़ी के साथ, तो जिसका नाम अबू इसामा था, उसको मैंने मार गिराया है और उसकी वजह से मेरी फिल्म बनने जा रही है। श्रद्धा कपूर विल रिपोर्टेडली प्ले द रोल ऑफ रुखसाना काउंसर इन एन अपकमिंग मूवी। इन 2009, रुखसाना, द ब्रेव हार्ट फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हु वॉज जस्ट इन हर 20s विद हर मदर एंड ब्रदर, किल्ड एलिटीज अबू उसामा विद एन एक्स एंड फोर्स्ड हिज अकम्प्लिसेस टू फ्री बाय फायरिंग एट देम आफ्टर स्नैचिंग देयर राइफल। Rukhsana took on the militants after emerging from a hiding place under a cot when they had raided their house and were beating her family members. हमें बताएं कि जिस समय आपने आतंकवादी को मारा था, तो क्या हालात थे उस समय के? उस समय के हालात बहुत ख़राब थे क्योंकि उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, कोई रोड नहीं थी जब ये कांड हुआ था। आखिर हुआ क्या था उस वक्त? कैसे आपने आतंकी को मारा था? वो क्या सिचुएशन बन गई थी कि आपने कुल्हाड़ी के साथ आतंकी को मार गिराया, जो कि एक बड़ा नामी एक आतंकी था? उस वक्त ये सिचुएशन बनी थी कि जब वो आए थे तो वो मेरे पापा को ऐसे आते समय ही पिटाई करना शुरू हो गई थी। कोई बात बिना पूछे, कोई गलती, कोई कुछ है नहीं था। उसने मेरे पापा को मारना शुरू किया। जब मेरे पापा मारते समय ही मेरी मम्मा जा पहुँचे, मेरी मम्मा को भी मारना शुरू हुए। तो जब उनके मुंह से ब्लड बह रहा था तो मेरा भाई दौड़ा, बोलने लगा मेरा भाई कि मम्मी पापा डेथ हो गई है। तो फिर उसके बाद मेरे भाई को भी उन्होंने मारा। मेरे भाई ने वो भी गिर गया, छोटा था वो, रोना शुरू हो गया वो। तो जब वो मेरे दूसरे रूम में गए मुझे देखने के लिए, मगर मैं नहीं मिल पाई क्योंकि मैं अपने एक चारपाई के साथ चिपक गई थी और मुझे वो ढूंढ नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद देखते देखते मैंने सोचा जब वो तीनों को मार दिया उन्होंने, तो फिर मेरे बचने का क्या कारण है? क्योंकि हमारी फैमिली बिल्कुल छोटी सी फैमिली थी, हम एक फैमिली के चार लोग थे। तो और धीरे धीरे जब मैं गई तो छुपते छुपते ऐसे, तो दाएं बाएं मैंने देखा तो कलहाड़ी थी पड़ी हुई, तो मैंने अबू इसामा को कलहाड़ी के साथ मार दिया। रुखसाना जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मन में उस समय कोई डर लग रहा था कि एक महिला होके इस तरह का? उस वक्त डर था मुझे, डर होने की वजह से ही दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे हम। मुझे बहुत डर लगता था इनसे। जब भी कहीं दाएं बाएं सुनती थी तो मैं ऐसे रजाई में मुंह छुपा लेती थी कि मुझे डर लगता है। तो उस वक्त मुझे अचानक जब मैंने मम्मी पापा को देखा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी मेड हर अ हीरो। पीपल अक्रॉस द कंट्री सैल्यूटेड हर करेज। शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर मैनी। रुखसाना वॉज अवॉर्डेड विद अ कीर्ति चक्र एंड अ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर हर वैलर। Prime Minister Narendra Modi also spoke about her gallantry. Rukhsana, now married to a police officer, is mother of three daughters and also serves as a police officer in Rajouri. तो अपनी सुरक्षा आप कैसे करती हैं, क्योंकि आपने एक बड़े आतंकी को मार गिराया है, तो आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है, तो कैसे आप अपनी सुरक्षा करती हो? क्योंकि मेरा पति एक बहादुर है, मैं उसके मदद के साथ आगे पीछे घूमती हूँ। और मेरा पति भी एक बहुत दलेर है और बहुत बहादुर है, उसकी उसकी यानी कि उसकी परछाइयों के साथ हूँ मैं। तो आपके पास कोई वेपन वगैरह जिससे आप अपनी हिफाजत कर सकें? ना, मैं 24 घंटे अपनी रिवॉल्वर अपने पास रखती हूँ। तो पुलिस महकमा की तरफ से किस तरह की मदद आपको मिलती है? पुलिस महकमे की तरफ से मैं यही मदद है कि मुझे क्या कह रहे हैं कि जब आप मेरी ये फिल्म बनने जा रही है और मुझे उस फिल्म बनते ही समय उसके उस वक्त मुझे ज़्यादा थ्रेड होगी, और उसकी वजह से मैं यही SSP साहब से और DIG साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे बॉडीगार्ड फिर से वापस लौटा दे। मेरी छोटी सी बेटी है 11 साल की है, वो इतना जज्बा दिखाती, कहती है मैं मम्मा आपकी तरह काम करूँगी। मेरी छोटी सी बेटी है और मेरी दोनों बेटियाँ बोलती हैं कि हम भी रुखसाना हैं। तो फाइनली ये जो बन रही है फिल्म जिसमें
श्रद्धा कपूर एक बहुत बड़ा जिनका नाम है वो आपका जो है पूरा किरदार निभाएंगी, जो आप पे चीज़ें बीती हैं वो करके दिखाएंगी, वो वापस से वो आपकी कहानी को जो दिखाने जा रही हैं एक बड़े पर्दे के ऊपर, तो कितना बड़ा खुशी का मौका है, तो क्या कहोगे इस पे? मुझे इस क्योंकि मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं बिल्कुल पहले जब मुझे मीडिया ने बहुत ज़्यादा उठाया था और मैं बिल्कुल गिर चुकी थी, फिर मैं ये सोच रही थी कि अब मैं दोबारा कहीं नहीं, फिर दोबारा मेरा इनाम होगा, और धीरे धीरे जब मेरा मैंने ये सुना और मैंने ये भी शुक्र गुजारिश किए अल्लाह के, तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत फिर जज्बा दिखाया और मुझे फिर दोबारा उस सीढ़ियों तक मुझे फिर दोबारा वापस पहुँचाया है, मैं पहले बिल्कुल गिर चुकी थी। It's been more than a decade since Rukhsana Kaunsar took on militants and killed one of them with an axe. A film on her today will bring the focus back on her and inspire many youngsters to follow in her footsteps of courage and bravery. In Srinagar, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.